गाइस यार आज तो मेले में मजा ही आ गया। अरे फ्रैंकलिन भैया मजा आया होगा आपको, मुझे तो बहुत सारी राइड्स में लिया भी नहीं। तो शिनचान किसी किसी राइड्स में बच्चे अलाउड नहीं होते। अरे अभी ये सब छोड़ो, मेले में घूमते घूमते मुझे भूख लग गई है। वैसे भूख तो मुझे भी लगी है, ये देखो सोने पे सुहागा, यहाँ पर हॉट डॉग मिल रहे है। अरे अंकल जरा मेरी बात। एक मिनट, ये आवाज कहाँ से आ रही है? ऐसा लग रहा है कोई झुंड में आ रहा है। ओ भाई साहब इतने सारे स्किबिडी टॉयलेट्स, ये सब तो हमारी तरफ ही आ रहे। शिनचान चौप जल्दी से भागो। अबे यार अब तो कोई था नहीं, ये लोग अचानक से कहां से आ गए? अरे यार तुम लोग जल्दी से आओ ना, फटाफट जाके गाड़ी में बैठते। गाइस किसी ने हमारे गाड़ी का टायर ही निकाल दिया है, अब हम लोग क्या करेंगे? वो लोग बहुत स्पीड में हमारे पीछे आ रहे हैं। अरे फ्रैंकलिन भैया इस बार तो हम लोग पक्का गए। अरे कुछ करो ना, खड़े खड़े देख क्या रहे हो? टॉप यार मैं क्या करूं? चिंता मत करो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। एक मिनट, अब तुम कौन हो? मेरा नाम है ड्रिल मैन, मैं अपने ड्रिल की मदद से तुम्हारे टायर को वापस लगा सकता हूँ। अरे तो यार फिर जल्दी से लगाओ। बस मुझे 10 सेकंड दो, मैं जल्दी तुम्हारा काम करता हूँ। और ये तुम्हारा टायर लग गया। देखो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, पर हम सबकी जान खतरे में। ये देखो ये लोग यहाँ तक पहुँच गए, जल्दी से आओ सब लोग गाड़ी में बैठो। अरे मैं कहाँ पर बैठूं? चौप यार जा बैठना है, बैठ जल्दी से आ। हाँ चलो गाड़ी में तो घुसे, इससे पहले ये हमारी गाड़ी फोड़ दे। जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलते हैं। अरे मुझे तो लगा था आज हम इनका शिकारी हो जाएंगे। अरे ये तो अच्छा हुआ कि ड्रिलमैन भैया वहाँ पर पहुँच गए, वरना हमारी तो पुंगी बच जाती। चलो गाइस मुझे लगता है कि अभी हम लोग सेफ है, तो गाड़ी को रोक सकता हूँ मैं। बस एक मिनट, अच्छे से जगह देख के रोकता हूँ, ये जगह ठीक रहेगी, हम लोग किसी के रास्ते में भी नहीं आएंगे। चल शिनचान अभी बाहर आ जा, हम लोग सेफ है। अब मुझे बताओ कि तुम हो कौन? मैंने तुम्हें बताया ना, मेरा नाम है ड्रिल मैन और मुझे पीसी मैन के बाद बनाया गया था, क्योंकि स्किबिडी टॉयलेट दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। हाँ वैसे तुम बोल तो एकदम सही रहे हो, इनकी संख्या कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। देखो मैंने सुना है तुमने कैमरा मैन, स्पीकर मैन, टीवी मैन और कंप्यूटर मैन की मदद की है, मैं चाहता हूँ तुम मेरी भी मदद करो। ओके इसका मतलब तुम वहाँ पर मुझे गलती से नहीं मिले थे, तुम हमारे लिए ही आए थे। तुम एकदम सही समझ रहे हो, अब मुझे जल्दी से बता दो तुम मेरी मदद करोगे या नहीं। अब तुमने हमारी मदद की है तो मुझे तो करनी पड़ेगी ना, बोलो क्या करना है? मैं तुम्हें अपना सूट दूंगा, तुम्हें बस उसकी मदद से जितने हो सके उतने स्किबिडी टॉयलेट्स को रोकना है। ओके जरा देखे कौन सा सूट मिलता है। ओ भाई साहब गाइस हम लोग तो सच्ची में ड्रिल मैन बन गए, कितना अजीब सा लग रहा है, मेरे सर की जगह एक ड्रिल मशीन लगी है। वैसे इसकी मदद से मैं उन्हें हरा लूंगा। चिंता मत करो तुम इस सूट को यहाँ से अपग्रेड कर सकते हो। ओके चलो शिनचान चॉप तुम लोग गाड़ी लेके घर चले जाना। अब गाइस सोचना पड़ेगा कि सूट को कैसे अपग्रेड करें, क्योंकि उसके लिए तो हमें पैसे चाहिए होंगे जो कि आसानी से मिलते नहीं है। ओ भाई ऐसा लगा कोई धमाका हुआ, इसका मतलब जो कुछ भी हो रहा है आसपास ही हो रहा है। अबे यार ये सब क्या है, इतने सारे लोग मरे हुए पड़े, ये किसका काम होगा? ये देखो फिर से धमाके की आवाज आई, पक्का कोई इस साइड ही है। यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। ओ हो वहाँ पर देखो गाइस एक और नया स्किबिडी टॉयलेट, ये तो मिसाइल पे मिसाइल छोड़े जा रहा है, और यहाँ पर तो इसके चमचे भी है। भाई साहब इसने पूरी गाड़ी उड़ा दी। अबे नहीं वहाँ पर एक बच्चा बेहोश पड़ा है, मुझे कैसे भी करके उसे बचाना होगा। स्किबिडी मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा स्किबिडी। एक तो गाइस वो वहाँ ऊपर बैठा है, उसे नीचे उतारू कैसे? एक मिनट एक आइडिया है मेरे पास, काश के ये काम कर जाए, यहाँ पर मेरी ड्रिल मशीन काम आएगी। जल्दी जल्दी चलाते इसे, मुझे चारों बाजू से इसे तोड़ना होगा। चलो यहाँ का तो हो गया, अब आगे बढ़ते फटाफट। यहाँ से भी काम बन रहा है गाइस, काम बन रहा है। स्किबिडी स्किबिडी ये क्या हो रहा है स्किबिडी? नहीं और ये गया गाइस। हाँ चलो फाइनली इसे रोका तो सही, बहुत बुरी तरीके से दब गया ये। अच्छा हुआ हम लोग टाइम पर पहुंच गए, वरना पता नहीं है और कितनी तबाही मचा देता। चलो बच्चे को बचाते। ओहो इसके चमचे आ गए गाइस, तुम्हारी तो मैं यहाँ पर आओ और ये ले। हाँ नहीं तो वैसे गाइस इनके चमचे भी दिन ब दिन अपग्रेड होते जा रहे, पहले कितने मामूली से स्किबिडी टॉयलेट हुआ करते थे, और अब देखो जरा ब्लेड ने, चश्मा ने, वेपन ने, सब कुछ है इनके पास। दूरट और ये ले, क्या लगी होगी इसे। देखो गाइस फिलहाल के लिए तो मैंने सबको हरा दिया है, पर इस जगह का कोई भरोसा नहीं, थोड़ी देर में और स्किबिडी टॉयलेट आ जाएंगे, मुझे उस बच्चे को लेके यहाँ से निकलना होगा। बच्चे जल्दी जल्दी मेरे पीछे आ, यहाँ का कोई भरोसा नहीं है कब क्या हो जाए। अच्छा ठीक है अंकल मैं आ लाऊ। जल्दी बैठ यार यहाँ पर मेरी फटी पड़ी है। चलो गाइस जल्दी जल्दी इसे लेके यहाँ से निकलते हैं और किसी सेफ जगह पर पहुँचा देते हैं। वैसे एक बात बताओ तुम्हारा घर कहाँ पर है? मेला घर टहल के बीतो बीत है। अच्छा ठीक है तुम चिंता मत करो मैं तुम्हें पहुँचा दूंगा। स्किबिडी स्किबिडी एक मिनट ये आवाज तो, अबे यार ये अभी तक जिंदा है, क्या मुसीबत है। मैं भी
पागल हूँ ना, इतना जल्दी तो ये मरने वाला भी नहीं है। देख रहे हो कैसे पीछा कर रहा है, कहीं से भी घुस रहा है। ऊपर से मेरी ये गाड़ी पहले से भी खटारा हो चुकी है, इतनी स्लो चल रही है यार, कैसे काम चलेगा। स्किबिडी स्किबिडी मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अभी भी पीछा कर रहा है या फिर गया, देखो उसकी आवाज तो नहीं आ रही है। मुझे लग रहा है हम लोग उससे पीछा छुड़ाने में कामयाब हो गए। एक मिनट, वहाँ पर कुछ उड़ा क्या? ओ भाई साहब ये तो दुगनी स्पीड से आ रहा है। अबे नहीं नहीं नहीं, आउच, ओ हो हो हो, बच्चे टाइट पकड़ना। भाई साहब बार बार बचे। अरे अंकल मुझे डर लग रहा है। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अब पता नहीं वो कहाँ चला गया है, इतना डर बैठा हुआ है ना, पता नहीं कहाँ से आ जाए। ओ ये देखो फिर से आ दुगनी स्पीड से। अबे नहीं नहीं यार, इतनी जोर से टक्कर मारता है ना ये। अब तो मेरी गाड़ी में से धुआं निकलने लगा है, मुझे कुछ सोचना होगा गाइस। कुछ ना कुछ करके इसकी हवा टाइट करनी पड़ेगी। मेरे पास एक प्लान है। आपको सामने वो खंभा दिखाई दे रहा है, बस मुझे सही टाइम पर उसके सामने से हटना है। और ये फाइनली गाइस वो उससे टकरा गया। बहुत बुरी तरीके से लगी है उसे, क्योंकि वो बहुत स्पीड में आ रहा था। चलो अब जल्दी से नीचे उतरते हैं और जाके उसकी बैंड बजाते हैं। कहाँ गया? अबे यही पर तो था, मैंने अपनी आंखों से देखा था, वो टकरा के यही गिरा था। ओहो बुरा, अब तो तू गया बेटा, ये ले। देखो इसकी थोड़ी हालत तो मैंने कुछ देर पहले ही खराब की है। स्किबिडी स्किबिडी तुमने बहुत गलत किया, तुम अभी मुझे जानते नहीं हो स्किबिडी। अबे तुझे जान के मैं करूंगा भी क्या, करूंगा भी क्या, ये ले। और ये कहा गाइस, यार जरा हमारे सूट की पावर तो देखो, मेरे हाथ से तो बिजली निकल रही है। स्किबिडी स्किबिडी ये लो। अबे यार ये क्या किया इसने, ब्लोअर मारा है तेरी तो, एक तो ब्रश भी नहीं करता है, कितनी गंदी हवा ही है। और ये ले, अब ये खा। हाँ नहीं तो मानना पड़ेगा है काफी तगड़ा, इसे कुछ हो ही नहीं रहा, पर मुझे बहुत कुछ हो रहा है। रुक जा भाई, तेरी तो ये खा। और ये क्या लात दिए घुमा के, अब तो ये नहीं बचेगा। देखने से तो लग रहा है कि इसकी हवा टाइट हो चुकी है, इसलिए बोलता हूँ पापा से पंगा नहीं लेते। चलो गाइस अब निकलते यहाँ से, हमें उस बच्चे के पास जाना है। अले अंकल आप आ गए, मुझे बहुत डर लग रहा था। अरे तुम चिंता मत करो, अभी तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब तक बहुत बहुत तुक लिया, पता नहीं आप नहीं होते तो मेला त्या होता। अरे कोई बात नहीं, चलो गाइस वैसे भी उस स्किबिडी टॉयलेट को मारने के हमें पूरे $10,000 मिले, तो जल्दी से देखते हैं कि $10,000 में कौन सा सूट मिलता है। ये खोला मार्केट और ये रहा वो सूट। बाय, हम तो बिल्कुल उसके जैसे बन गए जिसने हमें ड्रिल मैन का सूट दिया था। अब यार ये फोन वाइब्रेट की हो रहा है, किसका कॉल हो सकता है? जनरल ये मुझे कॉल क्यों कर रहे है? हेलो, हाँ फ्रैंकलिन मेरी बात सुनो, मुझे तुम्हारा नंबर ड्रिल मैन ने दिया है, उसने कहा कि तुम मेरी मदद कर सकते हो। ओके, पर कैसी मदद? किसी ने हमारी बहुत सारी हार्ड ड्राइव चुरा ली है जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट डाटा था और कुछ फाइल्स भी। क्या बात कर रहे हो, पर ये काम किसका है? ये तुम जैसे दिखने वाले में से किसी का काम है, मतलब के टीवी साइंटिस्ट का। क्या बात कर रहे हो? हाँ वो धोखे से बेस के अंदर घुस गया था, उसके बाद हार्ड ड्राइव चुरा कर भाग गया वहाँ से। अच्छा ठीक है, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, पर मुझे उसकी लोकेशन चाहिए। तुम निकलो मैं तुम्हें भेजता हूँ। चलो गाइस जल्दी जल्दी जाना होगा, क्या मुसीबत है यार। पर टीवी साइंटिस्ट मैन उसे क्यों चुराएगा, वो तो हम लोगों में से ही एक है। अब इस रहस्य पर से तो पर्दा तभी उठेगा जब मैं उसके पास पहुंचूंगा। देखो हमारे पास लोकेशन तो आ चुकी है, तो बिना किसी देरी के जल्दी से जल्दी वहां पर पहुंचते हैं। अबे यार यहाँ की तो हालत खराब पड़ी है, उस साइड तो बारिश नहीं हो रही थी और यहाँ पर आप लोग देख रहे हो ऐसा लग रहा है 4 दिन से बारिश रुकी भी नहीं है, इतना अंधेरा अंधेरा लग रहा है ना। ओ गाइस जरा वहाँ पर देखो, क्या मैं बिल्कुल सही समझ रहा हूँ? जरा और पास जाकर देखता हूँ, कंफर्म करना जरूरी है। अबे नहीं ये तो वही है टीवी साइंटिस्ट, और उसके सामने एक स्किबिडी टॉयलेट भी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये वो हार्ड ड्राइव उनको ही देने वाला है? मुझे मामले का और अच्छे से पता करना होगा, पर उसके लिए मुझे उनके पास जाना होगा। तो चलो गाइस चलते हैं, ये लगाया निशाना। अबे यार चुक गया, चलो कोई नहीं। और ये मैं चला, चलो पहुंच गए। अब छुपके से इनकी बातें सुनते हैं, आखिर में ये लोग बड़बड़ा क्या रहे। तुमने ये डाटा लाने में बहुत देर कर दी, मैंने एक हफ्ते पहले तुम्हें ये काम दिया था। तुम समझ नहीं रहे हो, उस जगह पर घुसना कोई आसान काम नहीं था, इसलिए मुझे देर हो गई। अबे नहीं, पर क्यों, ये इसके साथ क्यों मिला हुआ है? एक मिनट, ये किसकी आवाज थी? ड्रिल मैन, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? इससे पहले ये सबको बता दे, हमें इसे मारना होगा। अबे नहीं 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 नहीं, ऐसा मत करो ऐसा मत करो। ओ भाई साहब, अबे यार ये क्या फोड़ दिया इसने, हालत खराब हो गई है। कहाँ गए वो लोग? ओ साइफर स्किबिडी। अबे यार यहाँ पर कितने स्किबिडी टॉयलेट्स है, मुसीबत ही मुसीबत। आ जाओ बच्चों, अभी तुम्हें बताता हूँ। ये लो, इनके तो मुंह के अंदर ही ड्रिल मशीन घुसा दूंगा मैं। और ये खा। हाँ नहीं तो, एक तो पता नहीं इनके मुंह से क्या निकलते रहता है। ओह अब ये ले और ये खा। अब इसकी बारी गाइस, इतने छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाएगा। देखो मुझे जल्दी से जल्दी उस टीवी साइंटिस्ट मैन और उस किबिडी टॉयलेट को रोकना होगा, कहीं वो लोग भाग ना गए हो। स्केवेडे। ओ भाई साहब, अबे नहीं यार ये तो यहीं पर है। चलो ये तो अच्छी बात है, बस झटका इस बात का लगा कि ये अचानक से आ गया, मैं प्रिपेयर नहीं था। भाई साहब आजा आजा बताता हूँ तुझे, ये ले। अब जरा इसको हवा में टपकाते, ये खा। ऐसा लगा घपचिक 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 घपचिक,
और ढुचुम। ऐसा लग रहा है मेरे पंच का भी मैं सबटाइटल दे रहा हूँ। ओ, पीछे आ गया फिर से। अबे नहीं यार, इसके पास तो लेजर भी है। चलो अपनी भी स्किल पहले से काफी अच्छी हो चुकी है तो ये इतनी आसानी से तो बचेगा नहीं। ओहो भाई साहब, क्या पछाड़ा इसने मुझे। आजा राजा, बजाओ तेरा बाजा। और ये ले, लगी तो बहुत जोर से इसको और मेरा अंदाजा एकदम सही था, हमने इसे हरा दिया है। अबे नहीं, टीवी साइंटिस्ट मैन, लास्ट टाइम तो उसे वहीं पर देखा था, जल्दी से जाके चेक करते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो तो यहाँ पर भी नहीं है। एक मिनट, ये गाड़ी की आवाज कैसी, देखो आ इसी साइड से रही है। ओ भाई साहब, अबे यार वो तो हार्ड ड्राइव लेके भाग रहा है। नहीं नहीं, हमें उसे रोकना होगा, पर कैसे, वो तो बहुत स्पीड में यहाँ से निकला है। यहाँ आसपास कुछ तो होगा, यहाँ पर एक डर्ट बाइक पड़ी है। देखो वो जिस स्पीड में निकला था ना, मुझे नहीं लगता इसकी मदद से मैं उसे पकड़ पाऊंगा, पर इसके सिवा तो यहाँ पर कुछ है भी नहीं। एक काम करता हूँ, अपनी पावर के हिसाब से इसे अपग्रेड कर देता हूँ। चलो ट्राई करके देखते हैं। 1 2 3, ओहो एक ड्रिल ट्रक। भाई साहब क्या ही खतरनाक लग रही है, अब तो वो मेरे हाथ से नहीं बचेगा। मैं आ रहा हूँ। ये देखो ये रहा, ये कैसे आड़े तेड़े रास्ते पर घुसा रहा है। हमें थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी क्योंकि हमारे पास ट्रक है ना, एक बार सीधा रास्ता होता ना तो इसे जल्दी पकड़ लेता। और ये भी बहुत शाना है, इसने हमारे पास ट्रक देख लिया होगा इसलिए ये यहाँ पर आया है। अब ये ले गाइस, गाइस टक्कर मार दी है। ओ, वो तो बच गया। कोई नहीं, इस बार नहीं बचेगा। वो हमसे बहुत ज्यादा डर गया है, उसे ऐसा काम नहीं करना चाहिए था। वो हमारे टीम का है फिर भी सामने वाली पार्टी के साथ हाथ मिला लिया। अब फिर से जोरदार टक्कर मारते हैं। अबे यार चुक गया। ये देखो ये हमें टक्कर मार रहा है, इसे शर्म भी नहीं आई। जरा साइज देख अपना। ओहो स्टंट, अब तो ये पक्का आ गया। अब इसकी गाड़ी सीधी कैसे गिर गई, ये कैसे ना कैसे करके बची जाता है। एक बार बस इसे जोरदार टक्कर मार दूं। देखो यहाँ पर सीधा रास्ता है, अब मेरे पास पूरा चांस है। आजा 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 बेटा, अब तो ये गया। क्या उछाला इसे, मौका ही नहीं दूंगा गाइस। टक्कर पे टक्कर। नहीं यार, अपनी ट्रक ही टेढ़ी हो गई। जल्दी से बाहर निकलना होगा, इससे पहले वो वापस से कल्टी मार ले। कहा गया ये रहा, आखिरकार तू मेरे हाथ आ ही गया। अब मुझे बता दे तूने ऐसा काम क्यों किया। मुझे माफ कर दो, पैसों की लालच ने मुझे अंधा कर दिया था, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था, मैं गद्दार हूँ। हाँ वो तो तुम हो ही, और इसकी सजा भी मिलेगी। हाँ नहीं तो, गाइस मैंने इसे डीएक्टिवेट कर दिया है, ये थोड़ी देर में किसी काम का नहीं रहेगा। और जरा देखो तो सही, इसके पहले जिस स्किबिडी टॉयलेट को मैंने मारा था उसके हमें $50,000 मिले, और इसे डीएक्टिवेट करने के भी $50,000 मिले। अब हमारे पास $1,00,000 है, तो जल्दी से देखते हैं कि $1,00,000 में कौन सा सूट मिलता है। और ये, ये तो एक एलियन ड्रिल मैन लग रहा है। चलो कोई नहीं गाइस, अब यहाँ से निकलते हैं और सोचते हैं कि और पैसे कैसे जमा करें। अबे यार फिर से फोन वाइब्रेट हो रहा है। ओ ये तो एक मैसेज है, लॉस सेंटोस में होने वाला है एक रैम चैलेंज, जो जीतेगा उसे तगड़ा इनाम। भाई साहब यहाँ तो हमें पहुँचना पड़ेगा जल्दी से जल्दी। एक काम करता हूँ, यही वाली गाड़ी लेके जाता हूँ। अंकल जी जरा लिफ्ट मिलेगी। छोड़ो आप ही किसी और से ले लेना। अरे नहीं नहीं मुझसे लिफ्ट मत लो, मैं किसी और जगह जा रहा हूँ। चोर चोर चोर, अंकल तो चिल्लाने लग गए थे। चलो गाइस लोकेशन के हिसाब से वो जगह यही होनी चाहिए, पर यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा। ओ यहाँ एक लिफ्ट है, हमेशा की तरह यही हमें वहाँ पर पहुँचाएगी। ओ ये हम चले। देखो रैम के यहाँ पर तो मैं पहुँच चुका हूँ, पर एक मिनट, स्पीकर वुमन ये यहाँ पर क्या कर रही है। मुझे मेरे पति स्पीकर मैन ने यहाँ पर भेजा है ताकि मैं पैसे कमा कर ला सकूँ। मुझे उन्हें साबित करना है कि आज की नारी सब पर भारी। अच्छा ठीक है, अब मुझे यह बताओ क्या तुम भी इस रेस में हिस्सा लेने आए हो। ये रेस है, मुझे लगा एक रैम चैलेंज है। हाँ हाँ वही एक रैंप रेस है ये, अगर तुम्हें हिस्सा लेना है तो रूल सुन लो, तुम में से जो भी पहले पहुँचेगा वो जीतेगा और उसे मिलेगा $1,000,000 का इनाम। ओहो क्या बात कर रहे हो। चलो गाइस जल्दी से जाके गाड़ी में बैठते हैं। देखना तुम हारोगी। अरे यार पहले गाड़ी में तो बैठ जाओ। तो गाइस ये रेस बस शुरू होने ही वाली है और ये हम लोग चले। आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताना आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा। ये देखो आते ही चीटिंग चालू, इसने तो टक्कर मारना चालू कर दिया है, पर फिर भी हम लोग आ गए। ओ अबे नहीं यार, टकराते बच्चे। और ये मैं चला गए, काश के सीधा अंदर ही गिरे। सही जगह पहुंचे गाइस हम लोग, पर वो कहां गया, कहीं दिखाई तो नहीं दे रहा है। अबे यार हाँ तो मेरे पीछे ही। हाँ और अभी भी पीछे ही है, इससे पहले के आगे निकले हमें अपनी स्पीड को बढ़ा देना चाहिए। एक और जंप। अबे यार इस रैंप में कितनी जंप है और वो भी इतनी बड़ी बड़ी। और गाइस ये हम चले फिर से। भाई साहब नीचे नहीं गिनना। हो, क्या बचाऊ मैं। ये देखो ये भी आ गया और आगे भी निकल गया है। नहीं 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 इतनी आसानी से तो नहीं। बाय बाय दोस्त, इस बार हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो एक ही बार आगे निकल पाई है, वो भी थोड़ी देर के लिए। अब थोड़ा संभल के चलना होगा, यहाँ पर ब्लेड्स घूम रही है, एक भी लगी ना तो घूम के सीधा नीचे। उसकी गाड़ी वहां उल्टी हो गई थी। अब हमारे पास और भी ज्यादा टाइम है उससे आगे निकलने के लिए। यहाँ से एक और जंप। और ये देखो मुझे मेरी मंजिल दिखाई तो दे रही है, पर अभी भी काफी दूर है। ओ हो
लगी गई ब्लेड। अबे नहीं नहीं, हमारी गाड़ी भी उल्टी हो गई है। ये देखो, उसने इस चीज का फायदा उठा लिया। इसलिए बोलते हैं कि दूसरों पर जल्दी हंसना नहीं चाहिए, अब थोड़ा सीरियस होने की जरूरत है। अभी उसका आगे जाना मुझे नुकसान पहुंचा सकता है। ये देखो, बॉल्स की वजह से यहीं पर रुक गया। ओ भाई साहब, इनके वजह से तो कोई भी रुक जाए, कितने भारी बॉल्स थे वो। तो मैं स्पीड में आया तभी थोड़े हटे भी। अरे यार, क्या बचाऊ मैं इस बॉल की वजह से, मुझे आगे का दिखाई नहीं। थोड़े थोड़े साइड से होके ज्यादा भी कॉर्नर पर नहीं जाना, वरना फिसल के नीचे जाएंगे। और एक बार गए तो गए, उसके बाद कोई चांस नहीं है। ओ जरा देखो तो सही, मैं आराम से जा रहा हूँ, उसे डर भी नहीं लग रहा। अबे नहीं नहीं, इसने तो ऑलमोस्ट नीचे ही धक्का दे दिया था। क्या बचाऊ मैं थोड़े के लिए, अब तो मैं इसे किसी भी तरीके से नहीं हार सकता, वरना ये चीज मेरे दिल पर आ जाएगी। अबे यार, इसे भी अभी घूमना था। चलो रास्ता क्लियर है, फिर से इंतजार करना पड़ेगा। इस चीज से मुझे थोड़ी नफरत है। क्या क्रॉस किया यार मैंने। चलो चलो चलो, सही टाइम है, सही टाइम है। अलग ही मुसीबत है ये, पर इस बार नहीं, एक ही बार में निकलना है। फाइनली यहाँ से एक जंप है और उसके बाद एक और जंप है, अगर सही सलामत बचे तो। पहले तो गाड़ी सीधी कर लू यहाँ से ऐसे, और ये मैं चला। पता नहीं वो कहाँ पर रह गया है, कहीं दिखाई नहीं दे रहा। जरा एक बार देखे तो सही गाइस, ये रहा, आ गया आ गया। मुझे ऐसा लगा कि वो नीचे गिर गई है। एक तो बार बार मैं उसे आदमी समझने की गलती कर लेता हूँ। चलो चलो चलो, यहाँ से टर्न मार के अपनी मंजिल एकदम सामने, झंडिया मुझे दिख गई है, अब हमें जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अबे नहीं, सामने हाथी कैसे आ गए। ओके, खाली क्लोन थे, अच्छा हुआ बच गए, मैं तो डर ही गया था। चलो गाइज, उसी के साथ हमें मिलते हैं पूरे $1,000,000। तो अब जल्दी से देखते हैं कि $1,000,000 में कौन सा सूट आता है। ये खुला मार्केट और ये रहा वो सूट बाय। काफी अलग किस्म के लग रहे हम लोग। अब तो मेरे हाथों में भी ड्रिल है, मेरे मुंह में भी ड्रिल है। अरे यार, अब किसका कॉल आ रहा है। ड्रिल मैन फ्रैंकलिन, मेरी बात सुनो, मुझे जी मैन का पता चल चुका है, मैं तुम्हें लोकेशन भेज रहा हूँ। ओके, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। चलो गाइस, जल्दी से पहुँचते उसके पास। एक मिनट, ये लोकेशन इतनी ऊपर से क्यों आ रही है, कहीं उसने गलती से कुछ और तो नहीं भेज दिया है। ओहो हो भाई साहब, जरा वहाँ ऊपर तो देखो। पर एक मिनट, ऐसा लग रहा है कोई हमारी तरफ आ रहा है। लगता है जी मैन को पता चल चुका था कि मैं उसके पास जा रहा हूँ, उसने हमारे पीछे प्लेन छोड़ दिए। ओह भाई साहब, पहले तो इन सबको डिस्ट्रॉय करना होगा। चलो एक तो गया, अच्छा है कि हमारे पास लेजर है। देख रहे हो यहाँ पर कितनी सारी फाइटर प्लेन्स है, मैं एक को भी नहीं छोड़ सकता, वरना ये लोग हमें हवा में लुढ़का देंगे। अब इसकी बारी है और ये गया, और ये बर्बाद। ओहो हो, जरा ये तो देखो, मिसाइल पे मिसाइल छोड़ी जा रही है, इन्हें पता नहीं है अब मैं क्या चीज हूँ। चलो वो भी गया, यहाँ का मामला तो क्लियर है। अब जल्दी से चलते जी मैन के पास, मानना पड़ेगा यार, इसने तो हवा में अपना बेस बना दिया है। जरा इस जगह को तो देखो, ये सब इसने यहाँ पर सेटल कैसे किया होगा। छोड़ो अपने को क्या, अब जाके जी मैन से थोड़ी बात कर ली जाए। कैसे हो दोस्त, बहुत दिन हो गए थे तुमसे मिले हुए। ये क्या, मैंने तुम्हारे पीछे अपने इतने सैनिक छोड़े थे, फिर भी तुम यहाँ तक पहुँच गए, मानना पड़ेगा। देख, जब तू मेरी इतनी तारीफ कर ही रहा है तो मैं तुझे एक और मौका देता हूँ, तू जो कुछ भी करने वाला है ना, वो यहीं पर रोक दे। स्किबिडी स्किबिडी, मैंने तुम्हें उंगली क्या दी, तुम तो मेरे सर पर चढ़ गए हो, दूर हो जाओ यहाँ से। ओ गाइस, ये तो फायर करने लग गया। भाई साहब, इससे थोड़ा दूर जाना होगा, अब बताते इसे। खाली इसके पास लेजर नहीं है, एक तो ये कांच बीच में आ रहा है, पर कोई नहीं, कांच तोड़ के इसे निकाल लिया। अब ये ले बेटा और दे धमकी। हाँ नहीं तो। अबे ये अचानक यहाँ कैसे आ गया, तेरी तो दूरट दूरट बार बार बचा, कैसे भूत जैसे प्रकट हुआ ये। तेरी तो जा नीचे चुपचाप, देखा मुझसे पंगा लेने का अंजाम। अबे नहीं, इसने तो हमारे सूट में आग लगा दी है, जल्दी जल्दी नीचे उतरना होगा। बुझा 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 बुझा, प्लीज प्लीज। हाँ चलो, आग बुझ गई। क्या हुआ, अभी भी समय है, हार मान जाओ। गलती से भी नहीं, यहाँ पर आओ और ये ले। क्या उठा के फेंका है गाइस, देखो ज्यादा तो नहीं, पर अभी तक मैंने इसे जितना भी मारा है ना, उसके मुझे पूरे $10,000,000 मिले। ये खोला मार्केट और ये रहा वो सूट बाय। ओहो भाई, जरा देखो तो सही, पहले से काफी तगड़े बन गए। वाह क्या बात है, तुमने तो खुद को अपग्रेड कर लिया, पर इसका कोई फायदा नहीं होगा। होगा कैसे नहीं, कहाँ गया छजुंदर, सामने आ, तुम्हारी सारी बदतमीजी मैं निकाल दूंगा। अच्छा ये ले। गाइस यार, मानना पड़ेगा इस वाले सूट में दम तो है, क्या जोर जोर से पड़ रही है उसे। मुझे तो लगा था मेरी ड्रिल मशीन से अब इसमें खड्डा ही हो जाएगा। और अब ये ले, दर्द तो इसको बहुत हो रहा होगा। कहा गया, बहुत खतरनाक पड़ी थी उसे। ये रहा, क्या हुआ जी मैन, हालत खराब हो गई। याद रखना बेटा, ये सब तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा, आज के दिन तो तुम जीत गए हो।
पर जब मैं अगली बार वापस आऊंगा तब तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। बाय बाय स्किबिडी स्किबिडी। गाइस यार हर बार हम लोग उससे डर के भागते हैं, इस बार तो उल्टा ही हो गया है, वो हमसे डर के भाग रहा है। पर मैं उसे भागने दूंगा नहीं, मैं आ रहा हूँ। किस साइड गया था, यही कहीं होना चाहिए। वो रहा, अब अपने ड्रिल मशीन का पावर दिखाते इसको, सीधा इसके आर पार ही हो जाऊंगा। अब बताते इसे, जी मैन तू तो गया अपनी पूरी स्पीड के साथ, और ये तुमने क्या किया? जरा उसकी हालत तो देखो गाइस, इस बार तो उसे बहुत बुरी तरीके का डैमेज दिया है मैंने। अब ये लंबे समय तक शांत रहेगा, चलो जल्दी से नॉर्मल हो जाते हैं।